नमस्ते। आज हम बात करेंगे दूध किसके साथ सेवन करना चाहिए। ऐसे दूध का अपना एक गुण है, लेकिन उसमें अनुकूल पदार्थ यदि मिश्रित हो जाता है तो क्या होता है कि दूध के गुण भी बढ़ जाते हैं और वो पदार्थ की भी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इसको आयुर्वेद में मित्र की संज्ञा दी गई है कि दूध के मित्र कौन है। हम भी ऐसा, हमारा जीवन में भी ऐसा होता है कि मित्र जो होता है वो हमारे कुछ गुण को बढ़ाता है और हम हमारे मित्र के कुछ गुण बढ़ाते हैं। दोनों की परस्पर मैत्री कही जाती है। तो परस्पर गुणवर्धनम मित्रता, माने परस्पर के गुण जो बढ़ाते हैं उसको यहाँ पर मित्र बताया गया है। तो ऐसे मित्र दूध के कौन से हैं जिसको हम दूध के साथ सेवन कर सकते हैं और दूध के साथ सेवन अच्छा रहता है। योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में क्षीरादि वर्ग में दूध के मित्रों की बात बताई गई है। क्षीरादि वर्ग में यह श्लोक आता है, क्या श्लोक है वो, सहकार फलम चैव गोस्तनी माक्षिकम वरम गोस्तनी माक्षिकम घृतम। कि बहुत सारे पदार्थ है उसमें से दुग्ध के मित्र कौन से है, तो पहले ही बताया सहकार फलम, अर्थात क्या आम्र पक आम। अब वो आम कच्चा नहीं अपितु पक्व, केवल पक्व नहीं शाखा पक्व, अर्थात जो डाली पर पक गया है जो पूरा मीठा हो गया है ऐसा आम दूध के साथ ले सकते हैं, बाकी के आम दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। तो ये बताया, एक तो आम ये दुग्ध का मित्र है, बहुत सारे फल मित्र नहीं है, विरुद्ध होते हैं, लेकिन आम वो दुग्ध के साथ मित्र है। द्राक्ष, सूखी हुई द्राक्ष है वो दूध के साथ ले सकते हैं। आगे जाकर बताया है मधु, तो मधु भी दूध के साथ ले सकते हैं। शर्त इतनी होती है कि दुग्ध गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधु गर्म के साथ विरोध होता है, मधु को गर्म नहीं कर सकते, गर्म वस्तु के साथ ले नहीं सकते हैं, लेकिन केवल दूध के साथ मधु का सेवन कर सकते हैं। आगे आकर होता है घी, घी तो परम मित्र दूध का है, हम रोज रात को दूध के साथ घी सेवन करें यदि तो हमारे पेट के बहुत सारे रोगों में लाभ मिलता है, पेट साफ होता है। सुबह वही करें दूध के साथ घी का सेवन तो रसायन के गुण मिलते हैं शरीर को। आगे जाकर मक्खन भी दूध के साथ ले सकते हैं, उसके भी बहुत सारे गुण हैं। अदरक के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पर यह है कि अदरक रोज सेवन करना या न करना, उसमें दोनों पाठ मिलते हैं। हम योग रत्नाकर की दृष्टि से देखें तो अदरक दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, लेकिन और ग्रंथ में कहीं कहीं अदरक का मना किया गया है, तो वो हमारे विवेक पर है। योग रत्नाकर में बताया कि अदरक का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। आगे जाकर पिपली और मरी, जो त्रिकटु चूर्ण में उपयोगी होता है वो पिपली और मरी, ये दूध के साथ हम सेवन कर सकते हैं। आगे शाकर या खांड, वो तो हम रोज मिश्री शाकर या खांड तो उपयोग करते ही है, इसमें गुड़ नहीं बताया है, वो एक ध्यान देने योग्य है क्योंकि गुड़ विरुद्ध पदार्थ की यादि में गिनाया गया है। और बताया है पोहा, जो हम दूध के साथ पोहा का प्रसाद देते हैं शरद पूर्णिमा के अवसर पर, वो पोहा भी दूध के साथ बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो कहीं कहीं ऐसे दो विरोधी वाक्य मिलते हैं, उसमें से एक है कि यहाँ पर गाय के दूध के साथ सेंधा नमक बताया है कि वो मित्र है, और कहीं कहीं पर सेंधा नमक लेने का मना भी किया है। तो योग रत्नाकर की दृष्टि से सेंधा नमक जो ओरिजिनल होता है और प्रकार के क्षार उसमें नहीं मिले होते हैं, ऐसा सेंधा नमक जो आज मुश्किल है मिलना, लेकिन ऐसा सेंधा नमक दूध के साथ मित्र होता है। तो ये श्लोक में योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में इतने मित्र बताए हैं दूध के, तो हम भी उस पर मनन करें और दूध को इसके साथ सेवन करें। साथ साथ अश्वगंधा शतावरी जैसी औषधियों के साथ भी दूध का सेवन करना चाहिए, कर सकते हैं, वो भी हमको जान लेना है। नमस्कार, जय धन्वंतरी।